हेलो दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र कुमार अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल कंपेरन भाई। आज हम बात कर रहे हैं पतंजलि सोया चंक्स के बारे में। सोया चंक्स यानी कि सोया बड़ी, जिसको हम सोया बड़ी भी कहते हैं, उसी के बारे में आज हम जानेंगे। सोया चंक्स एक वसा रहित सोया आटा उत्पाद है जो सोयाबीन तेल की निष्करण प्रक्रिया के उप उत्पाद के रूप में प्राप्त होता है। सोया चंक्स को एक बहुमुखी और पौष्टिक पौधा आधारित प्रोटीन विकल्प माना जाता है। इसके इस्तेमाल के बारे में बात करें तो एक कप पतंजलि सोया चंक्स से 1.5 कप पके हुए पतंजलि सोया चंक्स मिलते हैं। 3 कप पानी लें और उसमें 1 कप पतंजलि सोया चंक्स को पूरी तरह से डुबो दें। इसमें 1 चुटकी नमक डालें। अगर आप मीठा पकवान बना रहे हैं तो नमक ना डालें। इसे 5 से 8 मिनट तक पकाएं। एक बार जब ये पक जाए तो आँच से उतार लें। ठंडे पानी में 2 या 3 बार अच्छी तरह से धो लें और अपने किसी भी पसंदीदा व्यंजन में इस्तेमाल करने के लिए निचोड़ लें। पतंजलि उच्च न्यूट्री सोया चंक्स में मांस, अंडा, गेहूं और दूध की तुलना में अधिक प्रोटीन होता है। तुलनात्मक रूप से ये प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट, कैल्शियम, लोहा और ऊर्जा मूल्य की तुलना में कम वसा के साथ संयमित है। इसकी शेल्फ लाइफ 12 महीने की होती है और ये पतंजलि फूड्स लिमिटेड का प्रोडक्ट है। सोया चंक्स रोज खा सकते हैं क्या, इसके बारे में जानते हैं। सोया चंक्स प्रोटीन से भरपूर और कम कार्बोहाइड्रेट वाला होता है। सोया चंक्स के नियमित सेवन से वजन घटाने में मदद मिल सकती है। वजन घटाने के लिए सोया चंक्स कैसे खाएं, इसके बारे में समझते हैं। वजन कम करने के लिए आप सोया चंक्स की सब्जी बनाकर भी खा सकते हैं। इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखता है। इसे खाने से शरीर को एनर्जी मिलेगी और मांसपेशियों के विकास में भी मदद मिलेगी। आप सोया चंक्स की सब्जी को लंच या डिनर में भी खा सकते हैं। एक दिन में कितना सोया चंक्स खाना चाहिए, ये भी यहाँ जानना जरूरी है। एक व्यक्ति एक दिन में 100 ग्राम सोयाबीन का सेवन कर सकता है। इससे ज़्यादा खाने पर सेहत को नुकसान पहुँच सकता है। चना और सोयाबीन भिगो कर खाने से भी क्या होता है, इसके बारे में जानते हैं। भीगे चने और सोयाबीन को आप वजन को कंट्रोल करने के लिए सेवन कर सकते हैं। इसमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है जो आपकी भूख को शांत करता है। इससे आपका पेट लंबे समय तक भरा रहता है। इससे आपको बार बार खाने की आदत से छुटकारा मिलता है और आपका वजन कंट्रोल में रहता है। भीगे हुए चने और सोयाबीन में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सोया चंक्स किस चीज़ से बनता है, ये इसके बारे में बात करते हैं। सोया चंक्स ये टुकड़े सोया आटे से बने होते हैं जो सोया तेल निष्करण का उप उत्पाद है। गुण, सोया चंक्स और संबंधित खाद्य उत्पाद पूरी दुनिया में लोकप्रिय हो गया है। इसमें मांस के समान ही प्रोटीन की मात्रा होती है और इसकी बनावट भी चबाने योग्य जैसी ही होती है, जो कोलेस्ट्रॉल से भी मुक्त होती है। तो दोस्तों, मैंने आज आपको सोया चंक्स के बारे में जानकारी दी। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो पतंजलि सोया चंक्स का आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे मेरा कोई भी नया वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिल जाए। धन्यवाद।